तुम्हारे पास तो केवल यही विकल्प है कि तुम क्या करो या क्या ना करो, परंतु परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है पार्थ, कर्म फल तुम्हारे वश में नहीं है। तुम्हारे अधिकार की सीमा इस विकल्प पर समाप्त हो जाती है कि तुम युद्ध करोगे या नहीं करोगे, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है। यदि तुम विजय चाहो भी तो यह आवश्यक नहीं कि विजय तुम्हारी ही हो जाए, तुम्हारी पराजय भी हो सकती है, किंतु यदि तुम विजय से मोहित नहीं होगे तो पराजय से भी नहीं घबराओगे। यदि तुम ये सोचो पार्थ कि चाहे विजय हो चाहे पराजय, किंतु तुम तो केवल इसलिए युद्ध कर रहे हो कि युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो विजय के सुख या पराजय के दुख का प्रश्न ही नहीं उठता। विजय और पराजय, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख के प्रश्नों में ना उलझो और युद्ध करो। यदि इस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई तो पृथ्वी का राज्य और यश भोगोगे, और यदि वीर गति को प्राप्त हुए तब भी यश के साथ साथ स्वर्ग पाओगे। इसलिए हे कौंतेय, उठो, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय सबको समान समझो और युद्ध करो, कि यही तुम्हारा क्षत्रिय कर्तव्य भी है और मानव धर्म भी। और जो न विजय से सुखी हो और न पराजय से दुखी, वही स्थित प्रज्ञ है, यही कर्म योग है। तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, परंतु यदि तुम्हारा आखेद तनिक भी इधर से उधर हो जाए तो तुम चूक जाओगे। तुम्हारा अधिकार तुम्हारे वाण संधान पर है, तुम्हारा अधिकार तुम्हारी दृष्टि पर है, परंतु उस मृग पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं जिसकी ओर तुम बाण चला रहे हो। हे धनंजय, सत्पुरुष कभी अपने अधिकारों की सीमा का उल्लंघन नहीं करते, अर्थात अपने कर्म में स्थिर रहो पार्थ, स्थिर रहो, क्योंकि कर्म की कुशलता का ही नाम योग है। मेरा हाथ तो अब भी गांडी की ओर नहीं बढ़ रहा है किशा, मेरी समझ में तो अब भी ये नहीं आ रहा है कि इस युद्ध से लाभ क्या होगा। तुम ये निर्णय केवल इसलिए नहीं ले पा रहे हो पार्थ कि तुम इस क्षण को केवल व्यक्तिगत लाभ और व्यक्तिगत हानि की तुला में तोल रहे हो। यही तो मोह का बंधन है पार्थ, यही तो तुम्हारे शोक की जड़ है, और इसीलिए तुम्हारा ये कायर पलाय और कलंक में डुबोने वाला शोक न तुम्हारे हित में है और न ही समाज के हित में। यह शोक न वर्तमान के लिए शुभ है और न ही भविष्य के लिए। लाभ और हानि की इस कामना में न भटको पार्थ, न भटको, केवल कर्म करो, कर्म। हे पार्थ, सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे आसक्त बना देता है। इस आसक्ति या लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है पार्थ, तो सोचने की शक्ति भटक जाती है। जब सोचने की शक्ति भटक जाती है तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और हे कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। तनिक सोचो पार्थ कि जिसके पास बुद्धि ही ना होगी उसे शांति कैसे मिल सकती है, वो तो शांति और अशांति में अंतर ही नहीं कर सकता, और जो शांति को अशांति से अलग तक नहीं कर सकता वो भला कैसे सुखी हो सकता है। हे पार्थ, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देती हैं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावम इवाम्भसी। इसलिए हे महाबाहो, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो, स्वयं ही उनके वश में न हो जाओ। पार्थ, ये बात ध्यान से सुनो और समझो कि जब संसार सोता है तब मुनि जागता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है।